उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार की समीक्षा में जुट चुकी है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 की 62 सीटों के मुकाबले इस बार 33 सीटें ही मिल सकी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने दो दिन तक एक बैठक कर पार्टी नेताओं से हार का कारण समझने के लिए बैठकें की थी। इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसके सहयोगी दल बने हुए हैं। जी हाँ, पिछले दिनों अपना दल ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की ओर से इस तरह के बयान दिए गए जिन्हें सब कुछ ठीक नहीं चलने का संकेत माना गया है। आपको बता दें, इसे लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाई की ओर से पार्टी आलाकमान को भी अवगत कराया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी की सहयोगी रही अपना दल की अनुप्रिया पटेल फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका लिखा पत्र बीजेपी के लिए एक बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखकर कहा है कि ओबीसी और SC/ST वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों ने उनसे बार बार ये शिकायत की है कि राज्य सरकार की ओर से कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इंटरव्यू के द्वारा ही भर्ती की जाती है और उन्हें कई बार उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है कि आरक्षित पद सिर्फ उन श्रेणियों के लोगों को ही मिलें जिनके लिए ये बनाए गए हैं, चाहे इसके लिए जितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़ जा रही है। बीजेपी के एक और सहयोगी रहे संजय निषाद के एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए उनके बेटे चुनाव हार गए। संजय निषाद ने यह भी कहा कि हम अपने बूथ जीत गए, लेकिन बाकी जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया। वहीं ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी चुनाव इस बार हार गए। उनका बयान काफी चर्चाओं में रहा कि अब चुनावों में मोदी योगी की लोकप्रियता कम हो चुकी है। हालांकि वायरल वीडियो पर राजभर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं से कहीं तक भी मेरे बेटे अरविंद राजभर ने मोदी और योगी की रणनीतियों पर सवाल नहीं उठाया है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखें तो इस बार उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, गले की फांस बनते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ क्या रणनीति बनाते नजर आएंगे।